हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान दीजिएगा, 8.65 क्यूब रूट ऑफ 8.65 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 865 अपन 100। हमने डेसिमल हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से, तो आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, क्यूब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 865 अपन क्यूब रूट ऑफ 100। अब देखिए, क्यूब रूट ऑफ 865, आपको हमेशा कोई नया नंबर मिले ना तो आपको उसको फैक्टराइज करना चाहिए। तो यदि हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो पहले हम ले जाना होगा 5 से, 5 वन जब 5, 5 से 35 एंड 5 3 जब 15। देखिए 173 आ गया, 173 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, बल्कि ये खुद से कटेगा, मींस इतना आएगा। तो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं इस नंबर के, कौन से, 5 आ रहे हैं और 173 आ रहा है, जिसके ट्रिपलेट नहीं बन पा रहे हैं, मतलब कि इसका डायरेक्टली क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरह फैक्टराइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका कैसे करना होगा। तो इसको करना होगा हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है, 865 को देखिए कि यह किन दो नंबर्स के बीच में है, और उन दो नंबर्स को हम देखते हैं जिसका हम क्यूब रूट टेबल से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि 865 लाइज बिटवीन, मीन्स इज ग्रेटर दैन 860 बट लेस दैन 870, राइट। मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो क्यूब रूट भी इसका इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। इट इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 860 इज लेस दैन क्यूब रूट ऑफ 865 इज लेस दैन क्यूब रूट ऑफ 870, ठीक है। अब इन दोनों का क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट टेबल से, तो 860 और 870, ओके। तो 86 में 860, तो देखिए आपका 10x वाले टेबल में जाना पड़ेगा, और 86 में ये मिल जाएगा 9.510, और 870 का ये मिलेगा, ठीक है, 9.546, ठीक है। तो यदि हम इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर हमने क्यूब रूट निकाल लिया ये 860 का और 870 का, लेकिन हमें निकालना एक्चुअली है इसका। तो करेंगे क्या कि यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि वी नो दैट द डिफरेंस इन नंबर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन देयर क्यूब रूट्स। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा है कि हम जानते हैं कि डिफरेंस इन नंबर्स, मतलब कि इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, देखिए दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि यदि कोई क्वांटिटी जैसे कि 2 है, यदि ये डायरेक्टली वेरी करती है 4 के, तो यदि 2 यदि ऊपर जाएगा, मतलब 2 बढ़ेगा, तो 4 भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। यदि 2 घटेगा तब 4 भी घटेगा, ठीक है। मतलब ए और बी मान लीजिए, जैसे ए और बी दो क्वांटिटी हैं, यदि ए इंक्रीज करता है, ठीक है, तो बी भी इंक्रीज करेगा उसी प्रोपोर्शन में, और यदि ए जो है डिक्रीज करता है किसी प्रोपोर्शन में, तो सेम उसी प्रोपोर्शन में जो है बी डिक्रीज भी करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि ए है और बी है, ये दोनों यदि मान लीजिए इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है, यहाँ पे था डायरेक्ट, यदि इनवर्सली रिलेटेड हैं ए और बी, तो हुआ ये कि यदि ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, मतलब जिस प्रोपोर्शन से ए बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन से ये बी जो है घट जाएगा। मतलब कि ये यदि हाफ होता है, यदि ए जो है आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो बी जो है दोगुना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा रिलेशन, जो डिफरेंस होता है इन दो नंबर्स में वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस इन देयर क्यूब रूट्स, तो उनके बीच में जो क्यूब रूट्स का डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, 10 है, सो हमें मिल जाएगा 10 का डिफरेंस जो है प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 9.546 माइनस 9. ओके, तो अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है, देखिए 5 का डिफरेंस, क्योंकि केवल यहाँ पर देखिए 860 और 865 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो हमने निकाला है अभी 860 और 870 के बीच में, अब ये 5 का बस वैल्यू निकालना है आपको, 5 का डिफरेंस का जितना वैल्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का निकालने के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना होगा, और उसमें करते क्या है,
पहले आप 10 जो यदि 10 वैल्यू है तो इतना आ रहा है, तो 1 वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए इधर, यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स आपका हो जाएगा 0.036 होल अपॉन 10, राइट। अब यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है केवल 5 का यहाँ पर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 0.036 होल अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब बोथ साइड्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ता है, इधर इधर आप डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाते हैं। यदि ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन तो इधर यदि आप डिवाइड करते तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, उल्टा काम करते हैं। चलिए यहाँ पे 5 5 5 2 10, अब 2 से कैंसिल आउट होगा और ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.018, ओके कटा देंगे यहाँ पर। अब देखिए आपकी वैल्यू मिल चुकी है, सो हमें मिल चुका है क्यूब रूट ऑफ 865 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 860 प्लस 0.018, मीन्स 860 की वैल्यू कितना थी, 9.510 यहाँ पर है वैल्यू आपकी, ओके प्लस कर देंगे 0.018 तो ये आपको मिल जाएगा 9.528। अब फाइनली हमें यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए या फिर नीचे रख सकते हैं, चलिए नीचे रखते थे यहाँ पर, तो आंसर निकाल लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे फाइनली क्यूब रूट ऑफ 8.65 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 865 होल अपॉन क्यूब रूट ऑफ 100। वैल्यू रखेंगे दोनों का, तो इसका अभी फाइंड किया हमने यहाँ पर 9.528, यहाँ लिख देंगे 9.528 होल अपॉन, और 100 का आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, 4.642 आएगा इसका, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2.0525, 4 डिजिट्स तक, ठीक है, डेसिमल के 4 डिजिट्स तक हम निकालेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे, देखिए हमें 5 है फोर्थ डिजिट पर, तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2.053। सो ये आपका हो जाएगा आंसर, ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 8.65 इज 2.053, दिस इज योर आंसर। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल सकता है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।